लव मैरिज करने पर परिवार जान का दुश्मन बन गया है। बेटी के साथ युवक को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे प्रेमी युगल दहशत में आ गए हैं। मलपुरा क्षेत्र के गांव में रहने वाले युवक युवती के करीब 4 साल से प्रेम संबंध चले आ रहे थे। चोरी छिपे मिलने का सिलसिला चला आ रहा था। इसी बीच लड़की के परिजनों को भनक लग गई। बेटी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन चोरी छिपे मिलने निकल जाती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, युवक युवती के संबंध भी प्रगाढ़ होते चले गए। दोनों ने घर से भाग शादी रचाने का फैसला कर लिया। पिछले वर्ष 28 अक्टूबर को युवती परिजनों को चकमा देकर प्रेमी के संग रफू चक्कर हो गई और इलाहाबाद आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। मेरे घर वालों मैंने शादी की इनसे, अब मेरे घर वाले मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे को बार बार पे 24 घंटा है, तुम्हें मार देंगे अगर तुम गांव में देगी, तो फिर भी गांव में नहीं आ रहे, फिर भी मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे 4 साल से संबंध चला जा रहा है, अब मेरे घर वालों को भी पता है मेरा 4 साल से संबंध पड़ा है, फिर भी मेरी जबरदस्ती से वो शादी करवा रहे थे किसी और से। मेरे साथ मेरे इसी के साथ ये मुकुल के साथ शादी, तो अब तो फिलहाल हाँ आज समाज में जाके शादी कर ली थी और हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले लिया, फिर भी हमें रहने नहीं दे रहे हैं। सीधी बात है कि धमकी दे रहे हैं दिनों रात, फिर गोली मार देंगे तो मैं तेरे बाप में किसी को नहीं छोड़ेंगे। 10-15 लोग हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं और 27 तारीख को सुबह 8 बजे फिर भी धमकी दी हमें कि गोली मार देंगे, बिल्कुल बच्चे दिख गए कहीं तो हम गोली मार देंगे डायरेक्ट, हम बिल्कुल रहने नहीं दे रहे हैं। और पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, जो हमारे पास प्रोटेक्शन है फिर भी कोई मदद नहीं है हमारी। मलपुरा थाने में गए थे, वहाँ से हमारा सब काम हुआ, फिर भी उसके बाद भी हमारे घर वालों मेरे घर वालों को बहुत परेशान किया जा रहा है और ना कोई सुनवाई हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। घरवालों को परेशान कर रही है और झूठा मुकदमा लगा रहे हैं, लड़की के घरवाले बहुत ज़्यादा झूठा मुकदमा लगा के घरवालों को फंसा रहे हैं। और हम तो अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से किया, और निर्दोष आदमियों का खुद नाम ले रहे हैं कि इन्होंने करवाया, तो हम तो अपनी मर्जी से गए थे। हम साफ कह रहे हैं अपनी मर्जी से गए थे और साफ सीधे रहना साथ ही रहना चाह रहे हैं।